फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बताओ, बोलते क्यों नहीं आखिर? उगताई खान फौत हो गए। नोयान क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम अर्तुरुल की माँ और उसके बेटों को मौत की नींद सुला दो। और मेरा खुफिया मकसद, उसका क्या होगा? अब तुम्हारा वाहिद मकसद अर्तुरुल के खानदान की मौत है। हमें मालूम हुआ है कि अलमिला का नाम असल में अलंगोया है। अलंगोया? अलमिला हकीकत में नोयान मलून की बहन है वालिदा। वो नोयान के हुक्म से यहां आए थे। हमारा मकसद तबाह करना था तुम्हें। मैं आपके हुक्म की ताबेदारी करते हुए अनातोलिया को आग और खून में नहला कर इबरत का निशान बना दूंगा। कौन है वो? वो चमड़े के ताजिर है बेरिकुताई। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। और ये तूफान अर्तुरुल को जब अपनी लपेट में ले लेगा, फिर निकिया की बारी आएगी। अर्तुरुल, क्या सोच रहे हो? मैं तुर्गुत के बारे में सोच रहा हूं वालिदा। इंशाअल्लाह उन बदबख्तों को खत्म कर दिया होगा। यकीनन कर दिया होगा। वो बस कबीले आते ही होंगे। मेरे बहादुर बच्चों से कोई नहीं बच के जा सकता अल्लाह के करम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने पहले कभी किसी दुश्मन को मारा है दादी? हाँ मेरे बच्चे, बहुत दफा मारा है मैंने। गुंदुज, मेरी वालिदा बहादुर हैं बहुत। मजलूमों की हिफाजत करने और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इनका कोई सानी नहीं। अंदर आ सकते हैं भाई? सिपाही आ गए मेरे। आ जाओ जवानों, आ जाओ। माशाल्लाह मेरे बहादुर आ गए। अल्लाह हमेशा फतह याद करे। मेरे शेर, मेरे बहादुर जंगजू। भाई, अल्लाह के हुक्म से हमने सब बदबख्तों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वो सब अंजाम को पहुंच गए भाई। माशाल्लाह मेरे जवानों, माशाल्लाह। क्या बात है मेरे जवानों की। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को और ताकत दे, तुम्हारी तलवारें तेज रहें और तुम्हारा हौसला इसी तरह बुलंद रहे। आमीन भाई। इंशाल्लाह भाई। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। दादी ने अलमिला खातून को भी मार दिया तुर्कुत चाचा।
जवानों ने अपनी तलवार से दुश्मन को जहन्नम भेज दिया। माशाअल्लाह वालिदा, आपके मुबारक हाथ सलामत रहे, आपका साया हम पर कायम रहे। मेरा बेटा, हमारी वालिदा सालों से जंगजों के सरबरा है, अलमिला इनके सामने भला कैसे रह सकती थी। सलामत रहे वालिदा। तुर्गुत सरदार, आर्तुक भाई, बमसी से पसाला, जज़ाकल्ला। सलामत रहो बेटा, तलवार कारदार हो, तुम्हारी बहादुरी बरकरार रहे। शुक्रिया वालिदा। हक की राह पे चलने वालों के बहुत दुश्मन होते हैं, अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से, हिम्मत से, इस्तकामत से और रहमत से महरूम ना करे। फतह हमेशा हमारा मुकद्दर हो। आमीन वालिदा। आमीन। आमीन वालिदा। गुंदूस, अब तुम अंदर जाओ अपने भाइयों के पास। जो आपका हुक्म बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक और दुश्मन खत्म हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त आ गया है भाई? सोत हिजरत करने का कह रहा हूं, फौरन बताओ सबको, हम सोत हिजरत करेंगे। जी ठीक है भाई। जो हुक्म भाई। हिजरत से पहले रिवायत के मुताबिक हम जिरगा बुलाएंगे, ताकि हिजरत से पहले तमाम सरदारान का मौकिफ जान सकें और उनके कबाइल की सूरत हाल भी। तो फिर हमें फौरन हाली बाजार में जिरगे की तैयारी करनी चाहिए भाई। ठीक कहा आर्तुक भाई। शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ मलिक शाह। क्या बात है भाई? निकिया से काफला आ रहा है। निकिया से आ रहा है? क्या जमींदार है कोई? नहीं भाई, बादशाह का बेटा है। बादशाह का बेटा? भाई, बादशाह का बेटा आखिर यहां क्या करने आ रहा है? वो यकीनन यहां कोई मुआहिदा करने आ रहा है बमसी। वो भी समझ चुके हैं कि तुर्कों से अब मजीद दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। यकीनी तौर पर मंगोलों की तरफ से हमले का खौफ उन्हें तंग कर रहा है। बादशाह के बेटे का तुम औताक के सामने इस्तकबाल करोगे तुर्कुत, और फिर उसे मेरे पास लेकर आओगे। जो आपका हुक्म भाई। आर्तुक भाई, आप मेरे साथ रहेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म। आपकी मदद करता हूँ सुगाई खातून। माशाल्लाह मेरे बहादुर पोते, माशाल्लाह। बादशाह का बेटा अर्थरुल से मुलाकात के लिए कबीले आ रहा है। खैरियत तो है हायमा खानम? सब खैरियत है बेटी, वो अमन और सऊद के बारे में बात करने आ रहा है। दादी, वो इतने बड़े बादशाह का बेटा यहाँ मेरे बाबा से मिलने आ रहा है क्या? मेरे बाबा इतने मशहूर सरदार कैसे मन गए दादी, बताए ना। यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास, मैं बताती हूँ। ये शुरू हुआ जब सुलेमान शाह ने अर्तुरुल को कबीले का कासिद बनाकर हलब भेजा था। कहो क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल पैगाम लाया हूं।
زمین کا مطالبہ ہے ہمارا. اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ بدلے میں 2000 جنگجو ملیں گے, ایسے وفادار جنگجو جو ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہوں گے. تعداد کم ہے, صرف میرے محل کے سپاہیوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر, لے جاؤ انہیں. جناب اگلا کون ہے؟ جناب 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 بدر میں صرف 313 تھے. تمہارے بابا نے سمجھداری سے حلب کے امیر سے جگہ حاصل کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا. تمہارے بابا اس کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرے تھے, کئی دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا ارطغرل نے. بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد ہم اس سرزمین پر اپنے قبیلے کو آباد کر پائے تھے. اس کے لیے بہت سے جنگجو شہید ہوئے تھے ہمارے, پھر ہمیں جگہ نصیب ہوئی تھی. ارطغرل نے سعود کی زمین کے حصول کے لیے بہت بار موت کا سامنا کیا ہے اور نہ جانے کتنی مشکلات جھیلی ہیں. بابا بہت دفعہ غازی بن کے لوٹے ہیں اور انہوں نے بہت مشکلات سہی ہیں. میں اور میرے تینوں بھائی اپنے اجداد کی طرح عدل و انصاف کرنے والے با ہمت سردار بنیں گے. ضرور بنو گے میرے بچے, اللہ نے چاہا تو ضرور بنو گے. تمہارے بابا کی طرح تم پر بھی مجھے پورا یقین ہے, انہی کے نقش قدم پر چلو گے. ان کی طرح ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کرو گے, ہر آزمائش پر پورا اترو گے. مظلوموں کی امید اور ظالموں پہ قہر بن کے ٹوٹو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دادی. یہ تو واضح ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے, یہ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرے گا. زندگی سے پیار ہوگا تو مشکل نہیں کھڑی کرے گا. کرنی بھی نہیں چاہیے بھائی, بالکل بھی نہیں. میں شہزادہ تھیوڈور, بادشاہ یانس کا بیٹا اور ان کا جانشین. میں چاودار قبیلے کا سردار تھرگت. خوش آمدید شہزادہ تھیوڈور. میں بادشاہ کے حکم پر ارطغرل سردار سے ملنے آیا ہوں, ان کو کچھ تحائف اور امن کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں. اوتاق میں منتظر ہے سردار عبد الرحمان. سردار ارطغرل کو خبر کرو.
शहजादा थियोडोर तशरीफ लाए भाई। बुला लो अब्दुर्रहमान। खुश आमदीद शहजादा थियोडोर। शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। तशरीफ रखिए। हमारे दरमियान पहले भी अमन रह चुका है लेकिन उस पर अमल ना हो सका। इस बार मैं बाहमी और दायमी अमन के कयाम का ख्वाहिशमंद हूं। इसी तनाजुर में हमारी तरफ से तहफ कबूल फरमाइए। तहाइफ के लिए शुक्रिया। जैसा आपने कहा, अम की नीयत से पहले भी कई वफ्त आ चुके हैं और हमने हमेशा खैर मकदम किया है लेकिन हर बार धोखा हुआ और इसकी वजह आपके जमींदार और कमांडरों की धोखेबाजी है। यही वजह है कि इस बार मैं यहां खुद आया हूं बाज़ंतीनी तख्त के जानशीन की हैसियत से। उगदाई खान मर चुका है। मंगोल जल्द अनातोलिया पर हमला करेंगे। वो हमें और आपको खत्म करना चाहेंगे जबकि हमारे पास इस सरजमीन पर अमन से रहने का मौका मौजूद है तो हम पीछे क्यों हटें? मेरा यकीन कीजिए, अमन बर्बाद करने की कोशिश अब कोई नहीं करेगा। शहजादा थियोडोर, हम वो हैं जिन्होंने पहले भी कभी अमन की पेशकश को नहीं ठुकराया। जब तक अमन कायम रहने की शरायत का पास रखा जाता रहेगा हम भी उसकी पैरवी करते रहेंगे लेकिन जब कोई उन शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। आपके अजीम सुल्तान अरसलान ने मलाजगेट में पहले रोमानिया के बादशाह को कैदी बनाया और उसके बाद उन्हें अपना दोस्त बनाकर अमन कायम किया। मुझे उम्मीद है आप अपने अजदाद की पैरवी करेंगे। इसी तनाजुर में आपसे अमन का मुहिदा करना मेरे लिए एजाज है। अब्दुर्रहमान, बादशाह की जानिब से मोहर मैं सब करूंगा। सरदार आला के तौर पर सलजूक रियासत और सुल्तान की तरफ से तफवीज की गई जिम्मेदारी से इस अमन मुआहिदे पर मोहर सब कर रहा हूं मैं। सोध की सरजमीन पर आबाद होने के बाद हम वहां हानली बाजार से भी बड़ा बाजार तामीर करेंगे। यूनानी ताजर वहां हमारे उसूलों के तहत तिजारत कर सकते हैं। उनकी जानोमाल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो बाजार कायम करने में हम आपकी पूरी हिमायत करेंगे जब तक अमन कायम रहेगा अर्तुरुल सरदार। खुदावंद हमारे अमन को दवाम बख्शे। इंशाल्लाह शहजादा थियोडोर, तशरीफ ले चले।
सलामत रहें शहजादा थियोडोर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दादी? अभी के लिए बस इतना ही। आज रात को सराय में होने वाले जिरके के बाद अपने बाबा से पूछना। आप क्या मुझे जिरगे में लेके जाएंगी दादी? तुम जैसे बहादुर को जिरगे में जाना चाहिए, वहाँ जाना तुम्हारा पूरा हक है। क्या वाकई दादी, मुझे भी जिरगे में सरदार की तरह बुलाया जाएगा? हाँ जरूर बेटा, अब तुम भी एक सरदार हो, वहाँ सब तुम्हें एक सरदार की तरह देखना चाहते हैं। मैं भी अब सरदार हूँ, मैं भी अब जिरगे में जाऊँगा, जालिमों के खिलाफ तलवार उठाऊंगा, मजलूमों की उम्मीद मनूंगा, मैं ऐसा सरदार मनूंगा कि बाबा को फख्र होगा। इंशाल्लाह बेटा। कितना खुश लग रहा है ये वालिदा। अल्लाह खुशियां कायम रखे इसकी, खुश नसीबी से नवाजे इसे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। नीकिया के शहजादे का यहाँ खुद चलकर आना, इससे वाजह है कि वो बहुत मुश्किल में है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा ही लगता है कि वो अपने दुश्मनों से बहुत खौफजदा है, और आखिरकार उसे अपने बेटे को ही यहाँ भेजना पड़ा। मंगोलों के खौफ की वजह से वो बहुत मुश्किल से दो चार हैं बमसी। वो जानते हैं कि अगर हम उनके साथ नहीं होंगे तो मंगोल अनातोलिया पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे। वो जानते हैं कि वो तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकते, यही वजह है कि वो हमारे साथ अमन कायम करना चाहते हैं। शहजादा थियोडोर अमन के मामले में काफी संजीदा नजर आ रहे थे भाई। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि मंगोलों के हमलों के खात्मे तक वो अमन खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे भी यही महसूस हो रहा है आर्तुक भाई। शहजादे ने यकीन तो दिलाया है हमें, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहना है, हिफाजती इकदामात जारी रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक कहा भाई। इन गैर मुस्लिमों को बखूबी ये अंदाजा हो चुका है कि हमसे दुश्मनी मोल लेने में उनका कोई फायदा नहीं भाई, शिकस्त खाएंगे हमेशा। इंशाल्लाह उन मंगोलों को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी भाई। बमसी, सारी दुनिया ये बात बहुत जल्द जान जाएगी कि तुर्कों से दुश्मनी करके अमन और सलामती हासिल नहीं हो सकती। तुर्कों को इश्तियाल दिलाने से उनका अंजाम क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं, तुम इत्मीनान रखो। जी बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल भाई। भाई कबीले के तमाम लोग हिजरत की तैयारी में मसरूफ हैं। शाबाश, उनकी देखभाल करते रहना तुर्कुत, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे पूरा किया जा सके। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया बहादुरों। तुम तो एक शिकारी परिंदे हो, किसी बुजदिल चिड़िया की तरह क्यों खड़े हो लोकंद? कारा जयसार से खबर आई है नोयान। क्या हुआ लोकंद, बताओ मुझे। अर्तुरुल के सिपाहियों ने कारखाने पे हमला करके मार डाला हमारे सब आदमियों को।
कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? कैसे पता चला अर्तुरुल को? और एलन गोया, बताओ मुझे मेरी बहन कहां है उलुकान? उसको अर्तुरुल और उसकी मां ने जान से मार डाला। अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह आसानी दे। आओ वहां चलकर देखते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ओ नूर साहब, चलिक साहब, अल्लाह मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सरदार। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको आसानी दे। लगता है कि पुरजोश है हिजरत के लिए सब। जी बिल्कुल सरदार, अंधेरा होने से पहले तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बार बर्दारी वाले सभी जानवर बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह, वो बहुत आराम से पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा आप थक गए होंगे, पानी पी लें आप। तुर्गुत सरदार और बमसी सिप्पा सलार को भी पानी पिलाओ बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह बेटा, खुश रहो हमेशा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। जज़ाकअल्लाह सिप्पा सलार बामसी। माशाल्लाह। क्या आप भी पानी पिएंगे तुर्कुत सरदार? नहीं शुक्रिया। जाओ बेटा और दूसरे लोगों को भी पानी पिलाओ। माशाल्लाह। क्या आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है? नहीं सिप्पा सलार बामसी, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह। हमने खेमे भी बांधने शुरू कर दिए हैं, एक एक करके सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अगर कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह आसानी फरमाए। हमारे सरदार आला अर्तुरुल सरदार आ रहे हैं। तशरीफ रखिए।
शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है और जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। दुआ है कि ये जिरगा हमेशा सलामत रहे। आमीन। आमीन। आप कासिद बनकर उगदाई खान के पास गए और सही सलामत वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। और आपने यहां मौजूद मंगोल जासूसों का भी सफाया कर दिया। बहुत शुक्रिया सरदार। उगदाई खान मर चुका, हमने अपने दरमियान मौजूद मंगोल जासूसों को खत्म कर दिया, लेकिन मंगोलों का खतरा अभी टला नहीं है। उगदाई खान की मौत से मंगोलों से हमारा किया गया मुआहिदा कलदम हो चुका। मंगोल दोबारा अनातोलिया पर हमला कर सकते हैं। हम पहले भी अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर अपने हर दुश्मन और खतरों से निमटते आए हैं और इंशाअल्लाह इस खतरे से भी नबर्दाज़मा होंगे। इंशाअल्लाह हम एक नई सरजमीन रवाना होने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो सोत में आबाद होने के बाद हमारे कबाइल ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां तक पहुंचने में हमने बहुत मुश्किलात सही हैं और बहुत से दुश्मनों का मुकाबला किया है। हमारा मुकद्दस मकसद सोत तक महदूद नहीं है। अजदाद की जमीन तक पहुंचने के लिए जो दरवाजा हमने खोला था वो हमें यहां तक ले आया। अब सोत से निकलने वाला रास्ता हमें दुनिया के चारों कोनों तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ओजान नगमा ऐसा हो कि जोश और वलवले को तकवीयत मिले। हमारे आबाई वतन के लोकगीत से हमारे दिलों को महसूस करें। बिल्कुल जनाब। Am çadır kuruldu, kum diki vuruldu. Am çadır kuruldu, kum diki vuruldu. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Düşman otu biçildi, nasıl kaçar ol tutar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla yük yükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla yük yükredim. Alplar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Alplar yaman savaşır, güç bir kılıp yarışır. Birbirini alkışır, Edgar Medip ok atar. Birbirini alkışır, özlemeden ok atar. Hey, öfkem gelip uğradım, arslanla yük yükredim. Öfkem gelip uğradım, aslanla yük yükredim. Alplar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Alplar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Halklar başım doğradım, şimdi beni kim tutar? Halklar başım doğradım, şimdi beni kim tutar?
अलंगोया। अर्थुरुल को देखा तुमने? अर्थुरुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह बना ली है मैंने। एतमाद भी जीत लिया उसका। औताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की। से अपना खेमा बनाऊंगा मैं, तुम्हारी औलाद को अपना गुलाम बनाऊंगा। नोयान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वालिदा, वो दोबारा वार करेगा, लेकिन इस बार वो अपने लश्कर के साथ अनातोलिया को फतह करने आएगा। आपके प्यार की बहुत जरूरत होती है, बहुत तकलीफ होती है वालिदा। अब सोत हिजरत करने का वक्त आ चुका है अलीमा। तुम्हारे बगैर यह हिजरत मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। हम तुर्कों को अंदरूनी खलफिशार और खाना जंगी में इतना उलझाएंगे कि वो एक दूसरे के सर काटते फिरेंगे।